हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? गुड। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और जैसा कि मैं आपने प्रॉमिस किया था कि टाइम टू टाइम मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ वीडियोस लाता रहूँगा, और उसी श्रृंखला में हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स में हमने कुछ बातें करनी थी लास्ट टाइम, वो हमारी कुछ चीज़ें डिस्कस हमने की थी, जैसे कि आर्टिकल्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो मेरा जो पहला वीडियो था वो ए और एन के ऊपर था आर्टिकल में, जो मेरा सेकंड वीडियो था वो था डेफिनेट आर्टिकल दा में, और डेफिनेट आर्टिकल दा को मैंने पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड किया है, और पार्ट टू में आज हम देखेंगे दा के कुछ और यूजेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि दा का यूज़ और कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ था, दा का यूज़ कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के पहले हो सकता था, ठीक है। ऐसे हमने बात की थी कुछ माउंटेंस वगैरह, कुछ होली बुक्स, ये सब हमने बात की थी। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ें। जैसे सबसे पहला है आपका व्हाइल रेफरिंग टू द नेम्स ऑफ जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स। अगर हम कुछ न्यूज़पेपर्स की बात करें या हम किसी जनरल्स की बात करें, तो हम उनके नामों के पहले भी क्या लगा सकते हैं? द लगा सकते हैं। तो कौन से न्यूज़पेपर्स? ऐसे न्यूज़पेपर जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, जिनका नाम है पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, जिनके कंटेंट, जिनकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, तो ऐसे न्यूज़पेपर्स के आगे आप आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट है हमारा क्या, द हिंदू। ये इंडिया का न्यूज़पेपर है, ओके, और इंडिया में यह आज़ादी के पहले से चल रहा है। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, इसके पहले से ये चल रहा है, और आज भी द हिंदू की पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। तो ये द हिंदू है, एक यूएस में चलता है द न्यूयॉर्क टाइम्स, ओके, और इंडिया में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर चलता है। आप में से कई लोग डेफिनेटली पढ़ते हो इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, क्योंकि भाई इंग्लिश का दौर चल रहा है, इंग्लिश सबको आने लगी है, और डेफिनेटली आप पढ़ते होगे। आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप देख सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं किया है तो मैं हूँ ना, बता तो रहा हूँ। देखो तो द हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो आपका एक न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, और ये इंडिया में चलता है, ओके, और इसके पहले भी आप लगा सकते हो द, क्लियर है। तो ऐसे न्यूज़पेपर्स जो अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, ठीक है, बटोरे हुए हैं, वहाँ आप लगा सकते हैं क्या द। ये थी दा की एक नई बात, एक नई कंडीशन, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा व्हेन वी रेफर टू इमेजिनरी ज्योग्राफिकल लाइंस। इसका मतलब क्या है? तो वो सिंपल सा मतलब है, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, और ज्योग्राफिकल मतलब भौगोलिक। जो इमेजिनरी मतलब जिनको ग्लोब पर केवल एक इमेजिनेशन करके बनाया हुआ है, ऐसी जो लाइंस हैं, उन लाइंस को जब हम लिखते हैं तब हम दा का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज द इक्वेटर, भूमध्य रेखा, तो हम इसके पहले दा लगाते हैं, ठीक है। सेकंड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा, ठीक है, तो ये कर्क रेखा है, तो हम कर्क रेखा जो है उसके नाम के पहले भी क्या लगाएंगे, दा। उसके बाद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इनको हम अक्षांश और देशांतर बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो उनके लिए बताना पड़ता है, ओके। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो इन सब के आगे भी क्या लगाएंगे, आप द लगाएंगे, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत ना। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ और बातें इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल, कुछ और बातें कर लेते हैं आर्टिकल के टर्म्स में। तो पहली बात और क्या, वो है हमारी एडजेक्टिव्स रिलेटेड, ओके। हमने डिस्कस किया अभी तक द की कंडीशन नाउंस के रूप में, ठीक है, कि नाउंस में के पहले आप द लगा सकते हो। अब हम बात करेंगे किसके, एडजेक्टिव की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो सिंपल सिंपल कंडीशंस आज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा।
सबसे पहली कंडीशन हमारी है एडजेक्टिव्स में कि जब भी हमको इंडिकेटिंग नेशनलिटी, मतलब जब भी नागरिकता या राष्ट्रीयता की बात करनी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या लगा सकते हो, द लगा सकते हो। कैसे? देखिए, आपने लिखा इंडियन, ठीक है, इसका मतलब क्या है? भारतीय, इंडियन। अब आप एक बात समझो, अगर आप इसके पहले द लगा दोगे, आर्टिकल द लगा दोगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपने सभी भारतीयों की बात कर ली है, है ना, हम भारतीय हैं, इस टाइप से आप समझ सकते हो, क्लियर है। आपने अगर द हटा लिया, सिंपल एक भारतीय की बात यहाँ पर हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, द इंडियन, ठीक है, उसके अलावा द स्पेनिश, स्पेन देश के नागरिकों को स्पेनिश कहा जाता है, उसके अलावा द इंग्लिश, जो लोग ब्रिटेन के मूल निवासियों को कहा जाता है द इंग्लिश, उसके अलावा द पुर्तगीज, उसके अलावा द चाइनीज, क्लियर। तो ये कुछ बातें मैंने आप लोगों को इस कंडीशन में बताएं कि आप इंडिकेटिंग नेशनलिटी में भी, जब आपको बताना हो नेशनलिटी। तो अगला जो हमारा एडजेक्टिव समझने की बात है, उसमें हमारा रहेगा आर्टिकल कहाँ कहाँ लगेंगे। एक लगेंगे हमारे कहाँ पर, जब हम किसी किसकी बात करनी हो, पूरी होल कम्युनिटी की बात करनी हो, किसकी बात करनी हो, पूरी होल कम्युनिटी की, ठीक है। जैसे आपने लिखा पुअर, तो इसका मतलब सिंपल आप समझ सकते हो गरीब, ओके। लेकिन आप जैसे यहाँ पर आर्टिकल द को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आर्टिकल द लगा दोगे, तो इसका मतलब हो जाएगा द पुअर, और इसका जो पूरा सेंस बनेगा वो बनेगा क्या, गरीब लोग, क्लियर। या फिर मैं इसको अन्य शब्दों में अब लिख सकता हूँ, पुअर पीपल, लिख सकता हूँ पुअर, ओके। उसी तरह से आपने लिखा रिच, ठीक है, तो रिच जो है उसमें आपने क्या लिखा, अमीर। तो ये आपको केवल एक व्यक्ति की बात बता रहा है कि अमीर व्यक्ति है, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पर द लगा देते हो, वैसे ये पूरा एक जो कम्युनिटी है, अमीर लोग जो हैं ज्यादातर, उनके बारे में बता देता है कि द, ठीक है। तो द रिच मतलब रिच पीपल, अमीर लोग, क्लियर। तो ये कुछ बातें थी हमारे दा से रिलेटेड, ओके। अच्छा, उसके अलावा और क्या हो सकता है? देखिए, मैं आप लोगों के लिए केवल और केवल ये चाहता हूँ कि आर्टिकल में जितना भी हो सकता है हम उतना बेसिक, उतना डीप में चले जाएं, ओके। तो आर्टिकल जो दा है, इसमें अगला रूल देख लेते हैं अपन इसी श्रृंखला में। तो देखिए अगला रूल है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मैं आपको नाउन का बता चुका हूँ, एडजेक्टिव में मैं आपको दो बता चुका हूँ, ये तीसरा बता रहा हूँ सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, आप लोग जानते होंगे, पहले से पढ़ते रहते हो यार, समझदार हो, ठीक है, जानते होगे, ओके। तो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की एक डिग्री, एक होती है इसकी कंपैरेटिव डिग्री, ओके, और एक होती है इसकी कौन सी, पॉजिटिव डिग्री। तीन डिग्रियां होती हैं एडजेक्टिव की, क्लियर, ध्यान रखना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कितनी डिग्रियां होती हैं, कितनी डिग्री होती हैं एडजेक्टिव की, तीन होती हैं, ठीक है। अब इन तीन डिग्रियों में मैं फिलहाल में आपको इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सुपरलेटिव डिग्री की। तो
सुपरलेटिव डिग्री का जहाँ यूज होता है वहां भी आप क्या लगा सकते हैं, दा लगा सकते हैं। क्लियर है? इस टाइप से जैसे आपने बोला MOST मोस्ट लिखा, ठीक है, यह है एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, हम हमेशा आर्टिकल द सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा LATEST लेटेस्ट, बहुत अच्छे से जानते होगे ये शब्द, है ना, क्योंकि अपन लोग मूवियाँ देखते रहते हैं और मज़ा भी आता है मूवीज में, है ना, तो उसके लिए लेटेस्ट मूवी कौन सी आई ऐसी बातें करते रहते हैं, तो आप उसके लिए क्या लगाओगे, आर्टिकल द लगाओगे। क्लियर है? तो ये आपका लग गया। ओके, अच्छा इसके अलावा एक और शब्द ले लूँ, है ना, शब्दों क्या आया, कितने भी ले लो तुम, है ना भाई, मेरा काम मैं देता रहूँगा शब्द, आप बस करते रहो, समझते रहो, है ना। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारा आर्टिकल दा फिनिश होगा, कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक आपके लिए और उस टेस्ट सीरीज में बेसिकली ए एन और दा इन तीनों के जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसके अलावा जो भी उनका डेप्थ नॉलेज हो सकता है, मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ बनाऊंगा, ठीक है, तो उस सीरीज़ को भी आप लोग देखिएगा, और पहले तो आप ये वीडियो देखिएगा, है ना, समझिएगा, इसमें कुछ ऐसा लगता है आपको कि कहीं कमी है तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है। ओके, तो ये था मेरा एक छोटा सा आर्टिकल दा के बारे में कुछ फाइनल बातें, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो डेफिनेटली इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।